ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नई दिल्ली से फतेहपुर जा रहे हैं। अभी किस ट्रेन से जा रहे हैं? ये मालदा है, मालदा। ये बताओ, 7 घंटे लेट हो गई है। अब यहाँ से कमरे के 1.5 घंटे का रास्ता है सादरा, मेट्रो जाओगे तो। अब वहाँ से बताओ जाएं कमरे जाएं, फिर वहाँ से आए। अभी कहो ये और लेट हो जाए, अभी तो आई नहीं है यहाँ पे। दीपावली और छठ के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर साफ तौर पर रेलवे ने काफी इंतजाम किए हैं। सबसे पहले आपको खास तौर पर बता दूं कि यहां पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस बार जो पांडाल है वो बड़ा कर दिया गया है। और आप दूर तक देखेंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे। और सबसे खास बात यही है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक वही पैसेंजर्स जा सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। और ऐसा बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये जो है फैसला रेलवे की तरफ से साफ तौर पर लिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहां पर तमाम जो रेलवे के और साथ ही साथ आरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं। एस्केलेटर का इस्तेमाल सिर्फ 15 से 1 प्लेटफॉर्म तक जाने वाले लोग ही कर सकते हैं। और खास तौर पर आपको ये भी बता दूं कि दरअसल अक्षम लोगों के लिए या फिर ऐसे लोग जो सशक्त नहीं हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट तो मिल सकता है, बुजुर्गों को मिल सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो फिलहाल नहीं हो रही है। 6 नवंबर तक इस पर रोक लगा दी गई है। ऐसा बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और सबसे खास बात यही है कि आरपीएफ के तमाम जवान यहां पर बैठे हुए हैं और अपने तरीके से अनाउंस कर रहे हैं ताकि लोग अलग अलग गंतव्य पर जाएं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो ट्रेनों का डेटा है वो यहां पर अपडेट किया जा रहा है तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो अजमेरी गेट का हिस्सा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, वहां पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े साइनेज भी लगा दिए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। लेकिन आप देखेंगे कि यात्रियों की संख्या वक्त के साथ बढ़ रही है जैसे जैसे ये त्योहार करीब आ रहे हैं। अमूमन सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है और जिस तरह से बांद्रा स्टेशन पर घटना हुई उसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। दीपक मिश्र के साथ राम किंकर सिंह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।